वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग सरल इंग्लिश गुरु स्टेप टुवर्ड्स इंग्लिश वर्ल्ड। और हमारे साथ सीखे बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश टीसी सुरेश मौर्य। और चलिए फ्रेंड्स, हमारे इस नए वीडियो लेसन की शुरुआत करते हैं और हम सीखते हैं आज हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूस में पैसिव बनाने के सेंटेंसेस, जहां पर हम देखेंगे बाय और सब्जेक्ट का यूज कब क्यों नहीं किया जाता है। हमारे बाय और सब्जेक्ट को हम क्यों ड्रॉप कर देते हैं हमारे पैसिव सेंटेंसेस बनाते समय, जबकि हमें वो एक्टिव सेंटेंसेस में दिए होते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस हम लगातार पिछले वीडियोज में सीख सकते हैं। हमने सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस भी बिना बाय के किस तरह से बनाए जाते हैं देखे हैं। हमने पिछले वीडियोस में देखे हैं हमारे पास्ट सिंपल में सेंटेंसेस जब हम बनाए तो हमने बाय से जो यूज नहीं करना चाहिए, बिना बाय के सेंटेंसेस, बिना सब्जेक्ट के सेंटेंसेस हमने बनाए हैं। तो आप हमारे पिछले वीडियोस को जरूर देख लीजिए। पिछले नियम जो हमने लगातार सीखे हैं वो सारे नियम आप पढ़ लीजिए। हमें सिर्फ यहाँ पर इतना ही ध्यान देना होगा इस वीडियो में कि हम किस तरह से हमारे बाय को यूज नहीं करते हैं, हमारे बाय को कब होता है, जो किस तरह के सब्जेक्ट होते हैं वो ड्रॉप कर देते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे कुछ सब्जेक्ट होंगे जहां पर हमें बाय के साथ उन सब्जेक्ट को नहीं लिखना होता है। आप उन्हें एक एक करके फिर से देख लीजिए, एक नजर डाल लीजिए। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इन सेंटेंसेस को, इन सब्जेक्ट को नोट कर लीजिए, इन्हें बाय के साथ हमें नहीं लिखना होता है। और इस तरह की वीडियोज हमने अलग से फोल्डर में हमारे प्ले लिस्ट में सेव रखे हैं, जो आप अलग से देख सकते हैं। सारे टेंस के अलग अलग जो हमने बनाए हैं उन्हें अलग से भी सेव रखा है, बिना बाय से बनने वाले पैसिव सेंटेंसेस को। तो चलिए हम देखते हैं हमारे सब्जेक्ट होंगे पीपल, समवन, समबडी, पुलिस, और कभी कभी जो हमारा अज्ञात वन सब्जेक्ट होता है जो हम किसी सब्जेक्ट के लिए बोलते हैं उन्हें हम बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं। और हमारे जो सेंटेंसेस होंगे कभी कभी हमारे जब डे होगा, जो हमारा सब्जेक्ट डे होगा, अज्ञात होगा, बिल्कुल अननोन होगा सब्जेक्ट, और उसे हम ड्रॉप कर देंगे क्योंकि हमें उसकी जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी पैसिव सेंटेंसेस में। कभी कभी जब हमें पूरा पता होगा, हम पूरी जानकारी रखते होंगे हमारे सब्जेक्ट के बारे में और हमें बोलचाल में उसे बोलने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि हम उसी की बात कर रहे हैं, हमारे सेंटेंसेस में हम उसे ड्रॉप कर देंगे क्योंकि उसकी जानकारी हमें पता है। ऐसे सेंटेंसेस मोस्टली हमें कन्वर्सेशन में होते हैं, हमारी बातचीत में होते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस हम स्टोरीज में देखते हैं, हमारे न्यूज़पेपर में देखते हैं, जहां पर हमारे पैसिव सेंटेंसेस होते हैं, आर्टिकल्स में होते हैं, रिपोर्ट्स में होते हैं, लेकिन हमें बाय से सेंटेंसेस वहां पर दिखाई नहीं पड़ते हैं, हमारे सब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ते हैं क्योंकि उनकी जरूरत वहां पर नहीं होती है। तो हमें इस तरह के सेंटेंसेस कन्वर्सेशन में देखने को ज्यादा मिलेंगे। अभी हम जो देखेंगे पीपल, समवन, समबडी, पुलिस, इस तरह के जो सब्जेक्ट होंगे हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे जो सब्जेक्ट होंगे, चलिए हम एग्जांपल देखेंगे। आप हमारे साथ फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर और हम वहां पर सीखेंगे कुछ और चीजें और कर सकेंगे चैट भी। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो सेंटेंसेस है इस वीडियो में हम देखते हैं हमारे जो सेंटेंसेस होंगे वो किस तरह से होंगे, जहां पर हम पीपल, समवन, समबडी, पुलिस के जो हमारे सब्जेक्ट होंगे उन्हें हम नहीं लिखेंगे, हमें उन ड्रॉप कर देंगे। हम इस तरह के कुछ और एग्जांपल्स आज नजर डालते हैं, आप उन्हें ध्यान से देखते जाइए। एग्जाम्स में जब आप इस तरह के सेंटेंसेस देखें, इस तरह के सब्जेक्ट देखें, तो आपको ध्यान से इन्हें नहीं लिखना है, लेकिन जब हमें पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए दिया जाए तो हमें इस तरह के सब्जेक्ट को लिखना होगा। तो आप उन्हें अच्छे से नियम को सीखते चलिएगा। तो चलिए जो हम सेंटेंसेस देखेंगे अभी, हमारे जो सेंटेंसेस हैं उनके फॉर्मूले एक्टिव पैसिव आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तरह के सेंटेंसेस हम लगातार अभी पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, तो वो फॉर्मूले और नियम आप समझ चुके हैं। हमारा सेंटेंस जो पहला है, पीपल वर बर्निंग होलिका ऑन द ईव ऑफ होली फेस्टिवल। होली फेस्टिवल की एक शाम पहले शाम को वो लोग जो हैं होलिका जला रहे थे। हमारा सेंटेंस है होलिका जला रहे थे। होलिका वाज बीइंग बर्न, होलिका जलाई जा रही थी, होली जलाई जा रही थी एक शाम पहले, होली की एक शाम पहले होली जलाई जा रही थी। समवन वाज डिलीवरिंग दिस न्यूज़पेपर इन द मार्केट, कोई बाजार में इस पेपर को दे रहा था, कोई दे रहा था बाजार में, ये पेपर बांट रहा था। तो दिस पेपर वाज बीइंग डिलीवर्ड, कोई इस पेपर को बांट रहा था, हमारा सेंटेंस है कोई इस पेपर को बांट रहा था, तो हमने पैसिव बनाया। तीसरा एग्जांपल देखिए, समबडी वाज स्टीलिंग मनी फ्रॉम द टेंपल डोनेशन, कोई मंदिर के डोनेशन बॉक्स से, मंदिर के चंदे से पैसा चुरा रहा था, तो हमारा सेंटेंस पैसा चुरा रहा था कोई। मनी वाज बीइंग स्टोलन फ्रॉम द टेंपल डोनेशन, मंदिर के चंदे से कोई पैसा चुरा रहा था, तो हमारा सेंटेंस बनेगा मनी वाज बीइंग स्टोलन, पैसा चुराया जा रहा था मनी के, जो हमारे मंदिर के चंदे से। चौथा एग्जांपल देखिए, पुलिस वाज इन्वेस्टिगेटिंग मर्डर केस लास्ट मंथ, पिछले महीने पुलिस हत्या के मामले की जांच कर रही थी। हमने यहाँ पर पुलिस को एकवचन माना है, कभी कभी पुलिस को कहीं पर किसी जगह पर लोग पुलिस को बहुवचन भी मानते हैं, तो वहां पर वो लोग पुलिस के साथ वर यूज करेंगे। अगर आपको आपके यहाँ पर आपके आसपास पुलिस को सेंटेंसेस में बहुवचन मानते हैं, बहुवचन देखते हैं आप, तो आप पुलिस को बहुवचन मान करके वहां पर वर देखेंगे, तो सेंटेंस में आपका जो आपको पैसिव बनाना होगा, हम देखते हैं हमारा मर्डर केस हत्या का मामला एकवचन है। मर्डर केस वाज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड लास्ट मंथ, हत्या के मामले की जांच पिछले महीने की जा रही थी, कर रहे थे। इस तरह से हमारा हिंदी बनेगा, मर्डर केस वाज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, हत्या के मामले की जांच कर रहे थे।
पांचवा एग्जांपल देखिए, समवन वाज कॉलिंग पुलिस टू कंप्लेन, कोई पुलिस को कंप्लेन करने के लिए, शिकायत करने के लिए फोन कर रहा था, बुला रहा था, पुलिस को बुला रहा था, तो पुलिस को बुलाया जा रहा था, पुलिस वाज बीइंग कॉल्ड टू कंप्लेन, पुलिस को बुलाया जा रहा था शिकायत करने के लिए। हमें बताया आपको, हमने पुलिस को यहाँ पर एक वचन माना है, सिंगल माना है, तो हमने यहाँ पर वाज लगाया है। अगर आपके यहाँ आपके आसपास के क्षेत्र में अगर आप पुलिस को बहुवचन मानने का नियम है, आपके आसपास आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आप पुलिस के साथ वर लगाएंगे, पुलिस वर बीइंग कॉल्ड। तो इस नियम को आपके आसपास के क्षेत्र के अनुसार आप देख करके करेंगे। तो हमने यहाँ पर पांच एग्जांपल्स देखे हैं, जहाँ पर हमने देखा पीपल, समवन, समबडी, पुलिस के साथ में हमें बाय का यूज नहीं करना होता है। तो हमने यहाँ पर सेंटेंसेस में, पैसिव सेंटेंसेस में बाय को ड्रॉप रखा है। तो फ्रेंड्स, आप इन एग्जांपल को देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, अभी आप सेंटेंसेस समझते चलिए। हम अगले पेज पर आपको और भी कुछ सेंटेंसेस दिखाते हैं, इसी तरह के सेंटेंसेस होंगे जहाँ पर हमारे पैसिव सेंटेंसेस हम बनाएंगे। एक्टिव सेंटेंसेस जो अभी हमने सीखे, देखें उनको पैसिव किस तरह से बनाया जाता है, ध्यान से हम करेंगे। अगर हमें पैसिव सेंटेंस दिया हो तो हमें एक्टिव सेंटेंस बनाते समय इनमें से किस सब्जेक्ट को वापस लाना होगा, वो नियम आप बहुत बेहतर ढंग से रिवाइज करके, प्रैक्टिस करके, सीख करके आपको रखना चाहिए। चलिए हम देखते हैं हमारे सेंटेंसेस अगले पेज पर, हमारे सेंटेंसेस किस तरह से होंगे। हमने इसी तरह के सेंटेंसेस और भी रखे हैं, सूत्र हमारा वही होगा पास्ट कंटीन्यूअस में, हम पीपल, समवन, समबडी, जो इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं, ड्रॉप किस तरह से करेंगे। कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, और फॉर्मूले आपने अभी पिछले पेज में देख लिया है। हमारा छठवां सेंटेंस है, पीपल वर बर्निंग इफिजी ऑफ डेमन रावण ऑन दशहरा, दशहरा के दिन लोग रावण का पुतला जला रहे थे, रावण का पुतला जलाया जा रहा था, इस तरह से हम बोलेंगे, रावण का पुतला दहन हो रहा था, रावण दहन हो रहा था। इफिजी ऑफ डेमन रावण वाज बीइंग बर्न ऑन दशहरा, दशहरा के दिन रावण का पुतला जला रहे थे या रावण दहन हो रहा था, इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा। सातवां एग्जाम्पल देखिए, समवन वाज ऑफरिंग फ्लावर्स बिफोर द मेन मॉर्निंग आरती, कोई सुबह की जो पहली आरती होती है, भोर की जो पहली आरती होती है, उसके पहले फूल चढ़ा रहा था, अर्पण कर रहा था। तो हमारा ऑब्जेक्ट है फूल, बिफोर से हम सेकंड ऑब्जेक्ट मानते हैं, वहां से हम इसे ड्रॉप कर देंगे, अभी बाद में लिखेंगे। फ्लावर्स वर बीइंग ऑफर्ड, फूल चढ़ाए जा रहे थे, फूल अर्पित किए जा रहे थे बिफोर द मेन मॉर्निंग आरती, सुबह की पहली आरती, मुख्य आरती के पहले फूल अर्पित किए जा रहे थे। आठवां सेंटेंस देखिए, समबडी वाज ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, बाजार से कोई सब्जियां ला रहा था, कोई सब्जियां ला रहा था। वेजिटेबल्स वर बीइंग ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट, बाजार से सब्जियां लाई जा रही थी, ला रहे थे। वेजिटेबल्स वर बीइंग ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट, बाजार से सब्जियां लाई जा रही थी। पुलिस वाज प्रोड्यूसिंग केसेस इन द कोर्ट, पुलिस अदालत में केस, जो मामले हैं, जो भी कोई केसेस है, उन्हें दर्ज करा रही थी, ला रही थी, अर्पित कर रही थी, वहां पर प्रोड्यूस कर रही थी पुलिस। हमने फिर से आपको बताया, अगर आपके आसपास में पुलिस को बहुवचन मानते हैं तो आप पुलिस को वहां पर बहुवचन माने। केसेस वर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट, मामलों को केस में लाया जा रहा था, दर्ज कराया जा रहा था। तो यहाँ पर सेंटेंस है, मामलों को, केस को अदालत में दर्ज कराया जा रहा था, लिखवाया जा रहा था, प्रोड्यूस किया जा रहा था, हमारा इस तरह का सेंटेंस होगा। दसवां नंबर सेंटेंस है, दे वर इन्फॉर्मिंग पुलिस, वे लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे थे, पुलिस को सूचित कर रहे थे, किसी काम के लिए सूचना दे रहे थे। पुलिस वाज बीइंग इन्फॉर्म, देखिए हमने फिर से यहाँ पर पुलिस को एकवचन ही माना है, अगर आप बहुवचन मानते हैं तो पुलिस वर, पुलिस वाज बीइंग इन्फॉर्म, यहाँ पर हमने बताया आपको कोई अज्ञात लोग है, जिन लोगों ने पुलिस को सूचित वहाँ पर कर रहे हैं, तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया है, हमें उनको बताने की फिलहाल में जरूरत नहीं है, तो हम ड्रॉप कर दे रहे हैं। पुलिस वाज बीइंग इन्फॉर्म, पुलिस को बुला रहे थे, पुलिस को सूचित कर रहे थे, पुलिस को फोन कर रहे थे, इस तरह से हमारा पैसिव आंसर बनेगा। हिंदी के पैसिव सेंटेंसेस जो हम यूज करते हैं हमारे कन्वर्सेशन में, अंग्रेजी के साथ में हम कन्वर्सेशन करते हैं, स्टोरीज देखते हैं, पेपर्स में देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में देखते हैं स्टोरीज, तो इस तरह के सेंटेंसेस हम अलग से बनाएंगे, जहां पर हम स्पेशली, विशेष रूप से हमारे बातचीत में, हमारी चर्चा में होने वाले पैसिव सेंटेंसेस को हम कैसे यूज करते हैं वो हम सीखेंगे आगे के वीडियोज में, कुछ दिनों से जब हम बनाना इस तरह की वीडियो शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आप फ्रेंड्स से सीख लीजिए, देख लीजिए, नोट कर लीजिए हमारे इन सेंटेंसेस को, सारे सेंटेंसेस को, नियम देख लीजिए, वही नियम है, हमें पीपल, समवन, समबडी को क्यों नहीं लगाना है। आपके पास अब बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए हैं, बहुत सारे इस तरह के सेंटेंसेस आप पैसिव के सीखते जा रहे हैं, आपकी नोट्स भी बहुत अच्छी सी बनती जा रही है। दूसरों तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को पहुँचाइए, किस तरह से आप सीख रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए। आपने जो भी कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट रह जाता है, तो कमेंट करिए, हम उसका सॉल्यूशन वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और अगले जो वीडियोस होंगे हम वहाँ पर हम मिक्स करके सेंटेंसेस देखेंगे, डब्ल्यू सेंटेंसेस देखेंगे, रचनात्मक शब्दों को और यूज़ करके
मिला करके देखेंगे, कलर कोड्स को हम हटा करके देखेंगे कि जो एग्जाम्स में आते हैं प्रश्न वैसे किस तरह से हम बना सकते हैं। कीप वॉचिंग सरल इंग्लिश गुरु, स्टेप टुवर्ड्स इंग्लिश वर्ड, सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड कमेंट, प्रेस बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट वीडियो, शेयर योर नॉलेज विद अस, मेक योर ग्रुप लार्जर एंड बेटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।